प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में रूप कुमार राजा हो गया है तो इधर में गांव में दुहाई होती है, क्योंकि जंगल में शेर रहता था, वो नित प्रत्येक मानुष की भेंट खाता था। तो गांव वाले एकदम से हाहाकार मचाने लगे, महाराज की दुहाई है, महाराज की दुहाई है। रूप कुमार कहने लगे, भैया कौन सी आपत आई है? बोले, महाराज इस जंगल में एक शेर रहता है, नित प्रत्येक बालक को ले जाता है। बोले, अच्छा। रूप कुमार ने हुक्म दिया है कि जो कोई शेर को मारेगा वो 500 रुपया इनाम पाएगा। हाय हाय, 500 रुपया के लोभ में और जनानिया प्रधान फड़क उठे और कैसे भैया? अरे मैं गाती और बजाती था, मैं शेर मारने जाती था। जनानिया प्रधान जंगल के बीच पहुंचा है तलवार को लेकर के, तो क्या देखता है कि इधर बसंत कुमार उस शेर को खत्म करके उस शेर पे आराम कर रहा था। लेकिन बसंत कुमार ने एक काम कर लिया था कि नाक और कान काट के अपनी जेब में रख लिए थे। इधर में जब पहुंचा है जनानिया प्रधान, उस मरे हुए शेर को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो गया। अब तो मन में अकल उपाई, हाय हाय या बालक में सूतो ही मार दूं, क्योंकि 500 रुपये मुँह मिल जाएंगे। यदि काउ पता चल गई या ने मारी शेर तो याकू 500 रुपये मिलेंगे। हाय, जनानिया प्रधान ने आज सोवते बसंत पर तलवार का बाहर कर दिया है। और उठा करके वो नदी में फेंक दिया, बगल से नदी बह रही थी, वहां से वो चला जाता है जनानिया प्रधान। इधर से बसंत की लाश बह के जाती उस नदी में चली जा रही। अब इधर देखिए क्या होता है। धोबी कपड़ा धो रहे और सवेरे को जाया सूंदा ही लेके भैया, और कैसे गुनगुना रहे उस्ताद जी? अरे सब जानू तेरी सेन उंगरिया की, सब जानू रे, ए सब जानू रे, सब जानू तेरी सेन उंगरिया की, सब जानू रे। अब तो भैया कपड़न ने धो लियो, धोबिन तोनू रोटी लेके आमती होगी। मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में धोबी कपड़ा धो रहो और कैसे धो रहा भैया? अरे कब ले हो गई ए, अरे कब ले हो गए खबरी रघुराई, धोबी ने रोटी ना लाई। ए सियो, ए सियो, ए सियो, कब ले हो गए खबरी रघुराई, संत का चौथा भाग सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए भैया। और धोबी कहा कह रहे हैं, 4 बजे को ठाड़ो जो है गयो, यो
रागनी सुन रहे प्योर धोबी आई रागनी ना मानो तो धोबी ने तो पूछ ली हो। अरे चार बजे को देखी ठाड़ो जो है गयो तब चल वे की सूरत लगाई धोबी ने रोटी ना लाई ऐसियो ऐसियो गधैया गधैया अरे पांच रुपया की लैया गधैया। और देखो बुआ खिचर ते तो ब्याई धोबी ने रोटी ना लाई ऐसी और वही भूजो ही जा रहा हुए रास्ता देख रहो के वही तक ना आई। और देखो अरे बाके दूध की खीर बनाई हाय हाय अरे बाके दूध की खीर बनाई फिर अरे राम भी आए अरे सियो राम लीला न्यारी ये सियो राम ए सियो राम ए सियो राम ये मारू सासु की अभी तक ना आई और तू आ नहीं गई तो समझ ले तू ऐसे रिगरू जैसे तू फणी भूल कर गई तू चल तू आ में तब आवत रही हो। अब आधे से लता तो धोबी गई आधे से फिर धो लू जब तक आराम ही कर लू क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला और जी डरी तई कंठी हाय हाय धोबी सोएगो इतने धोबिन कैसे आ रही भैया हाय हाय रोटी बोटी बना के तैयार कर ले। अरे मैं रोटी कैसे लाऊं हाय पजारो भूखा ही मरा जा रहा होगा जूना से खिला होगा। अरे मैं रोटी कैसे लाऊं मुश्किल अटकी लंबी हार की में परेते हाय 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 अरे परेते धरूं गठरिया न्यार की में रोटी कैसे लाऊं मुश्किल अटकी लंबी हार की में रोटी अरे लंबी करबू मसीने बुरानी भैया सुन गए होंगे अरे लंबी करबू
मशीनें पुरानी। अरे मोपे कुटी कुटती ना ए न्यार की में रोटी कैसे लाऊं मुश्किल। और क्या भैया तूफानी अरे भैया अपनी सी। अरे कह दो नदी भैया अपनी सी लुगाई। आय 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 हाय लुगाई कर ले जमुना पार की में रोटी कैसे लाऊं मुश्किल। हाय भैया रोटी लेके आएगी धोबी खर्रका ले रो है। और वो कह रही है गो घंसुआ के दादा हो लेकिन धोबी ने ना सुना और धोबी ने आए के गल्ला तो दी ओ घंसुआ के दादा हो। हाय करवट लेके ठाड़ो इरी धोबी नी तू आ गई हाँ रोटी ले आई क्या हो के तेसु के मेसु। तो एक काम कर ला जल्दी हाय तब तो तू आई ना पेट में जोई पण अइया सु लो रही है। सो भैया रोटी दे दी अब लो ना एक काम कर लो गंसुआ दाल पहले नहीं होते लो कुल्ला कर ले। तो भैया वो लोटा दो हाथ में और जो कुल्ला करियो वो में खारी पानी रे एकदम बड़बड़ा के बोले ए के बना धोबे ये तू पानी लाई कैसे है अदरा तू मीठो पानी लाओ दे खारी पानी कैसे। का बताऊं तुम्हारे जो तुम मारोगे ना मारोगे तो तू सही से बता दे। तुम मारोगे ना बता रहे ना का बताऊं तुम्हारी सुन चली आ रही तुम्हारी जल्दी जल्दी सूत्र में हाय मुठे पर लगो सुझी लोटा गिर पर हो तो पानी कहा से आओ जो तो पहले कहो तो जी का बताऊं कुछ कुआ हुआ तो नहीं तुम्हें मैंने की अब जी मारेंगे हाथ से मैंने पेशाब करके ले आई आई मारू आई मारू आई मारू आई मारू दिन खराब कर दो। अब तुम्हें तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा कछु नहीं मारूंगा तेरे को बिल्कुल। एक बार बता रोबिन तुम मार दो ना अब ना मैं रहूंगी चली जाऊंगी मैं तो। अरे वो ताजना ते आइए ताजना ते बता मैं तीन दफा मारी है चौथी दफा मारी बना। अरे चौथी दफा तूने आज मारी हूं मैं और तुम रह जा रहा हूं तुम करोगे अब के मारोगे तो मैं उस्ताद सरवर के संग चली जाऊंगी। ले तू चौका चुका ले चल अब तो बिल्कुल ही ना मारो। एक काम कर दो अभी आज तो मैं मन में कछु आ रही है का? मन में कछु आ रही है करो तुम भी ऐसी बात कर रहे थे मन में कछु आ रही है यहाँ तो कपड़ा धो लो ना ना अब तो मैं कछु मन में आ रही है तो कहा आ रही है तेरी एक बात बता जाद ना तू जब मैं तो लिवाय के लाऊ हाँ तो बाद ना तू जब गीत गाए रही तू बा गीते आज मुझे सुनाए दे तेरे ना करो तुम गंसुआ के दादा गीतों में तो रोए रही तब आ रही गाई जब तू ये सुनाए दे लेकिन हाँ हाँ सुनाऊंगी एक काम कर लियो का अरे आबाला मैं तो रोटी जो खवाऊं भूख लगी ला पस दे आओ तो सही अरे आबाला
मतोए रोटी जो खवाऊं, ए रोटी खवाऊं पर पानी ना पियाऊं। क्या कह रही है? पानी नहीं पियाऊंगी, रोटी खवा दूंगी पानी नहीं पियाऊंगी। तो क्या कह रही बिट्टू? सुन, अरे तू का सास मोए रोटी जो खवावे, ये धोबन। अरे तू का सास मोए रोटी जो खवावे, दूध मलाई मेरो बाप खवावे। और सुन ले, सुनती है ए ढंसुआ की अम्मा, आए दूध मलाई मेरो बाप खवावे। अरे मर करके देख भूत बनूंगो, जाई पी पर आप विश्राम करूंगो, और गधा चराए आवेगी तब तो यह मसकंगो। रोटी खाए नहीं? हाँ तो इस वफर दखा रहा है। अब एक काम कर, देख जो मन में लगी गया ना, मैं आज तुम्हें बुला गया बाबू। क्या कह रहे हो, शर्म ना आ रही तुम? ऐसी बात कर तो ना तेईसो गंद मैं पड़े थे ना, तुम मन में लगी हाथ तुम्हें लगी बुझा दे। ए हट, तो एक काम करे आज हम मिलाए। आज कड़ी खाए तो शर्म ना आवे, बिल्कुल बोले भी तेरी दारी हूँ बस सुर की कह रहे को सुर मिला ले। क्यों मोटो है? मैं मोटो हती हूँ पतरो है। हाय हाय, जिंदे बकरो बा पहले ही कह दो बकरो ना मिला। धोबी को सुर मिल लो, धोबी को मिल लो, ये कैसे मिल लो? ये धोबी है और धोबी क्या कर रही? ए धोबी ने अब के नीचे उतर आई, बीचा बीच में चौकस मिलनो चाहिए। धत्ती दारी मारो तू, बिल्कुल नहीं नीचे उतर गई। झुको नहीं गई तो देखे कैसे नीचे उतर देगी। ने कोरू प्रभु की सके जा, फिर मिला चकाचक मिलनो चाहिए। ए धोबी ने मिल गो मिल गो मिल गो। तो क्या कह रही है धोबी भैया, ध्यान दीजिए। अरे नाए सुख देखो एक अंशुका के दादा, अरे नाए सुख देखो पियर बा में बस के नाए सुख दी। और क्या? अरे कबूला पैर मैंने भजन भी छिया, कबूला पैर मैंने भजन भी छिया, कबूला चली तुम गुप गुधर के नाय सुखी। आगे दादा इतने चितौ तकू इतने देखो। अरे कबू न ओड़ी में ने चमक चुनरिया मारू चमक चुनरिया, हाथ में पेड़ जा रही है, जा रही चोर मन लुभ जा रहे हो तुम्हें। अरे कबर भाई साहब तुम लगा दो मुरे नाते काबू मरी जा रही है। अरे कबू न ओड़ी में ने चमक चुंदरिया, अरे कबू न ओड़ी हाय हाय, कबू न ओड़ी मैंने दखिनी चुंदरिया नाय सुपुरी।
है, धोबी ने और धोबी के झटका है रहा है। अब का कह रही है घनसुआ के दादा? बोले का है? हाय तुमने मोए सब जगह घुमाए दो, दिल्ली, बंबई और कलकत्ता, लेकिन और का देखो चाहती है? इंडिया गेट ना, इंडिया गेट की बात ना है। तो का कह रही भैया? अरे लेना गए बेईमनवा, बेईमनवा, अरे लेना गए बेईमनवा मखनपुर लेना गए। अरे लेना गए बेईमनवा मखनपुर लेना गई, और क्या? अरे हमको मगाए दो जनवा मखनपुर लेना गई। महीना देखी आई बरसा की, चार महीना देखी आई बरसा की, अरे हमको छवा दो झोपड़िया मखनपुर लेना गई है। ए, 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 प्यारे ने की हाय हाय, अरे चार महीना तब हाय जाड़े ने की, अरे हमको हाय हाय भैया, हमको अरे हमको भराए दियो रजैया मखनपुर लेना गई है। ए है, ए है, बहती हुई चली आ रही है तो बामे जान पड़ जाती है। मरा नहीं था बसंत तो कभी तक हाथ सूदो कर दे तो कहूं पाल सीधो कर दे, बह तो बहुत चलो आए रहा। हाय क्या बोली है पिया? ए पिया देखो उधर देखो, कोई ये बालक बहुत चलो आए रहो। हाँ तो क्या बात है तुम्हारी सुगंध, तुम्हें मैं कसम बाहर निकाल लो। क्या होता है बंधु? पकड़ी लाश जब रे बसंत की, वो तो पारी पे पहुंच कर आई। अरे लहसा देख की, अरे धोबिन ने भैया, अरे सुनियो मेरी जो ध्यान, अरे गोदी में जब लला उठाया।
और छाती से लो चुपकाई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो देखिए, इस प्रकार से धोबी उस बसंत की लाश को निकाल लाता है। और तो किस प्रकार से, और देखिए यहाँ किस नाम रखा है और कैसे आगे कथा बढ़ी है, तो ध्यान दीजिए। धोबी ने जब कुमार को जल से लियो निकारी, बेटा मन मान करके अपने घर लेकर के आता है। तो क्या होता है बंधु, पालन पोषण करो कुमार को और कपड़ा नए सिलाई, करे पुत्र से प्यारे साहब से उसको पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो उसी नगर के समीप जो नदी थी, इधर में एक सौदागर अपने जहाज को लेकर के आता है, धंधे के लिए जाता है, तो हर वर्ष जहाज मिश्रा नगर के समीप आकर के अटक जाता है और हर वर्ष एक मनुष्य की बलि लेता था। बंदो इधर में सौदागर आ जाता है और दौड़ करके जब जहाज तक गया था तो रूप कुमार के दरबार में पहुंचता है। तो आज बंधु इधर में जब दरबार में पहुंचता है रूप कुमार के, तो वहां कहा है कि महाराज, महाराज की दुहाई है, क्या बात है कि एक मुसीबत आई है। महाराज मेरा जहाज तक गया है और मैं, मेरा जहाज बलि से आगे बढ़ेगा और बलि चाहता है, हर साल देती है महाराज। रूप कुमार कहने लगे, जननी प्रधान, जो जिस किसी को सुबह सूली का हुक्म हो ना उसे सेठ जी को दे दिया जाए, जिससे कि इनका जहाज आगे बढ़ जाए, मुझे बलि चढ़ा दे। मेरे प्रिय श्रोता हो, एक दिन क्या होता है कि वो जननी प्रधान देखता है उस बसंत कुमार को जो गोद करके नदी में डाला था। ये जिंदा है। यदि महाराज को किसी तरीका से पता चल गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए ये फांसी हमको ही होती था, इसलिए हम इसको ही मरवाती था और इसी की बलि चढ़वाती था। आज बंधु देखिए, यह सोच करके और कहने लगा, सेठ जी, ये सेठ जी बोले, क्या बात है, देखो हम तुमको बलि देती देती था और तुम हमको 500 रुपया देती था
अवश्य मिलेंगे। चलो तो आज बंधु बसंत कुमार को कपड़ों के बहाने और धोबी धोबन के यहाँ से वो मांग के ले जाता है जनानिया पर जाकर के सौदागर के हवाले कर देता है। हाय हाय सौदागर बंधु बलि का नाम लेता है। बोले लड़के हम तो सिर्फ तेरी बलि चढ़ाने के लिए लेके आए, कोई कपड़ा पड़ा नहीं हम ले हमारे पास। इधर में राजा का राजकुमार बसंत कुमार कहने लगे सेठ जी जी जहाज तुम्हारो बिगर बलि के चल जाए तो ठीक है, तो कौन सी बढ़िया बात है। तो बलि लगे हम का बोले बंधु आज उसने अपनी कटार निकाली, अपनी उंगली काट करके जो खून मशीन पर चढ़ाया है एकदम से झट जहाज स्टार्ट है। अब तो सेठ बड़ो प्रसन्न, सेठ बोलो लाला तू कहां थी आओ रे, ये धोबी धोबन के कैसे कैसे। बस यही मत पूछो सेठ जी, मैं बड़ा मुसीबत का मर रहा हूं, अब तो ये है कि मेरे माँ बाप जो भी कुछ हैं वही मैं उन्हीं के यहां रह रहा हूं। चल वह धोबी धोबन के यहां कहां लेगा, तुम ये धर्म का पुत्र है, जब जहाज अटक जाया करेगा तू चालू कर दिया करे। ऐसा बहानो लेकर के बंधु आज सेठ जी उस बसंत को ले जाते साथ में। बसंत कुमार की शादी हो जाती है, बसंत कुमार की शादी हो जाती है। बंधु सुंदर लड़का था, अब वहां से जब अपने वतन के लिए लौटता है, हाय हाय, तो भैया बसंत सो रहा था और उसकी बहू जाग रही थी, पिया के पैर दबाती, लेकिन बसंत कुमार जगे हैं, बोले तुम सोई नहीं हो। पिया एक बात बताओ, मैं सोई तो यूं ना आयो कि यदि हमारा तुम्हारा बिछोड़ो है जाए तो मिलवे को कोई तरीका है। हाँ क्यों नहीं, यदि तुम्हें कोई रूप बसंत का किस्सा सुना दे उसी को तुम अपना पति मान ले। बोले ठीक है, अब तुम सो जाओ। सुबैया दोनों प्राणी सो गए, कुत्ते जहाज चलो आए। सेठ की है गई नीयत खराब, वह देख के नहीं वोट ही आई भैया, हाय हाय। वाने बसंत कुमार सोते को उठा करके उस नदी में फेंक दिया। अब सेठ जी ने दुपट्टा खींचो, बैठी हो गई, हाय मेरे पिया कहां गए। सेठ बोले हंस करके देखो हम खड़े हैं ना तुम्हारे पिया। आह ससुर जी आपनी और किया बहुत ही पाप, तुम बेटा पटका समुद्र में सो भले पिता हुआ। आप तो हमारे पिताजी थे और आपने अपना बेटा इस नदी में पटक दिया। अरे पगली वो मेरा बेटा सच थोड़ी था, वो तो झूठ मास्कू। अच्छा अब पति तो बच सकते नहीं और कुछ देर के मेहमान ही, अबला पुकारी ही आपको हे दीन बंद भगवान ही, मैं आपने मर जाने नदी और छोड़ा मेरा हाथ, जीवन कटेगा अब मेरा बतलाओ किसके साथ। ही सेठ जी ही पिताजी आप हमारे धर्म के पिता हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी अबला गाय हैं। सौदागर के लगाए बाबरी तू मेरा उसे सचमुच का पुत्र जानती थी, पागल का होश खो बैठी है, इधर होश में आना, देख हमारे यहां तू रहेगी शैतानी कहलाएगी। बेटा नहीं नौकर था वो, मरने से पीछा छूट गया, अब मेरा और तेरा पत पत्नी का नाता जुड़ गया। हाय हाय आज बंधु कहने लगे हैं क्या, बस सोच कर ही हाथ मेरी
हाथ पकड़ा हाथ में, बस ऐसे कर आराम कर, बस ऐसे कर आराम कर, अब तू मेरे साथ। तो बंदो, बसंत कुमार की घरवाली का नाम था चंद्रप्रभा। अब वो चंद्रप्रभा कहने लगी है, सेठ जी, ए सेठ जी, मैं ऐसे तुम्हें पति स्वीकार नहीं करूंगी। तो कैसे करेगी? के सेठ जी, सेठ जी, क्यों मारी गई तुम्हारी मती, रूप बसंत का किस्सा सुना देगा, वही है मेरा पति। 6 महीने से प्रथम करो तुम तंग तो प्राण गमाऊं, और धर्म न हारूं कभी घात करी मरी जाऊं। पहले तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मैं मर जाऊंगी, यदि 6 महीने के बाद 7वां माह लग गया तो मैं आपके साथ विवाह रचालूंगी मेरे बंधु। लेकिन इधर में देखिए क्या होता है बंधु, आज इधर में वो समुद्र में डाल दिया था ना, बह करके एक बगीचे से, हाय बगीचे के किनारे से लाश लग जाती उस बसंत की। उधर एक मालिनी आ जाती है जो बगीचा को रखवाली, तो आज माली वह कहता है कि तुम उधर जाओ और मैं इधर देखता हूं। तो वो मालिन कहने लगी है कि प्राण प्यारे देखो, उधर देखो, ये कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जिंदा है। हाय बंधु, आज जाकर के जो देखा है तो माली मालिन उसे लेकर के आती है और उसे जीवित तो हो जाता है। तो वहां से बंधु वो चल देता है कहां, किस्सा रूप बसंत का और मुझको देव सुनाई, और 6 महीने में 4 दिन अब बाकी रहे हैं आए। मेरे बंधु चंद्रप्रभा आज कहने लगी है कि 6 महीने में ही पिताजी केवल 4 ही दिन बाकी रह गए, लेकिन आपने जो वादा किया था मुझे रूप बसंत का किस्सा अभी तक नहीं सुनवाया। हाय हाय, जब तक बंधु वो जहाज मिश्रा देश के समीप पहुंच जाता है और क्या होता है, अरे बात सुनी है सौदागर ने, पंचो सुनियो ध्यान लगाई, जहाज को खड़ा कर दिया है। अरे बात सुनी है सौदागर ने, पंचो सुनियो कान लगा, दौड़ो दौड़ो चलो फेर जी दरबार जाई। ए परोल खाई प्रधान की है और प्रधान से देत जवाब, एक अरज है मेरी प्रधान जी, अब सुनियो तुम है ध्यान लगाई। आज सौदागर को देख करके जनान्या प्रधान बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि 500 रुपया मिले हुआ सौदागर पति। हाय हाय, अब जाकर के कहा है कि महाराज हमें बताओ ना,
हमें ऐसा उपाय बताओ। बोले क्या बात है, घबराए सेठ जी क्यों नजर आ रहे हो? हाय हाय, के यही घाट पर आज ये अटका मेरा जहाज, और सहारा था जब आपने श्रीमान हमारा काज। महाराज आपने ही हमारा कार सारा था, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ता है कि दोबारा से जहाज हमारा अटक गया है। तो आप कहना क्या चाहते हो? कि महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। बोले कौन सा? तो रूप कुमार के दरबार में बंधु आज वो सौदागर कहता है क्या, कि जब तक किस्सा सुन न लू और तब तक मुझको न चैन, और कहती है मर जाऊंगी रो रो कर दिन रेन। आज बंधु उन्होंने कहा सेठ जी ने कि महाराज हमारी एक हमारे जहाज में एक नारी है, वो कहती है कि हम रूप बसंत का किस्सा सुनना चाहते हैं, यदि हमें रूप बसंत का किस्सा नहीं सुनवाया तो हम मर जाएं। हाय हाय बंधु, आज जो इतने शब्द सुने हैं तो आज रूप कुंवर ने वर्षों के बाद अपने भैया बसंत का नाम सुना है तो प्रसन्न हो जाती है। बोले क्यों नहीं, हम तो भूल ही गए थे। आज कहा जनानिया प्रधान सारे शहर में मुनादी बिटवा दो, जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वह आदि राज इनाम में हमारी पाएगा। अरे चारों ओर नंगर के भैया, अरे ढोड़ी राजा ने दई तो पठाई, अरे जो कोई किस्सा रूप बसंत का यहाँ पे आए के तेज हो सुनाई। अरे आदि राज इनाम में पावे, बैठो ही मौज उड़ावे जाई। आज बंधुओं देखिए क्या होता है, मुनादी जब शहर में पिटी है, इधर में वो लड़का माली मालिन की आंख बसंत कुमार, अरे खबर पड़ी है जब मालिन को भैया सुनियो ध्यान लगा, अरे जब बेटा मालिन से बोला मैया सुन लरी ध्यान लगा है, अरे सा किस्सा को हम जानते हैं और राजा को सुनाई। आज उन्होंने कहा है जो ही ढोड़ी पिटर सुनी के रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो आदि राज नाम में पाएगा। बसंत कुमार कहने लगे मैया मैया और ही मैया ले एगो काम। बोले क्या बात, क्या रूप बसंत को किस्सा हमारे चित्रकार से जानती? अच्छा तो बेटा अब हम राजा आ जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओ। हाय हाय मैया, हम रूप बसंत का किस्सा सुनाएंगे लेकिन जनाने बन के जाएंगे। क्यों, ऐसी क्या बात? कह देना जा करके राजा से कि अपनी झोपड़ी अंति हमारे मेलन तक कनात को इंतजाम करवा दे, क्योंकि हमारे बेटा की बहू सुनावे। हाय हाय दो मालिन बोली बेटा हमारी झोपड़ी और राजा के महल, तू मेलन ने झोंपड़ी बता रहे? अरे मैया तू तो पागल है, जब हम मेलन में रहना ही ना तो हमारे कहा तो झोंपड़ी बराबर है। बोले ठीक। आज बंधुओं देखिए क्या होता है, माता अब तू शीघ्र ही कर दे राजा से जाए, कह दे राजा से जाए और पुत्र वधू मेरी तुझे अरे किस्सा दे सुनाई, पर्दे का कर ले तुरंत अच्छी तरह प्रबंध, किस्सा रूप बसंत का सुनाऊ भूप पसंद।
बारी हो रही मैया मैं सब लू वहां संभाल महाराज से जाए की सो कहियो सोच विचार। जा दौड़ करके आज बंधु वह चली है। अरे किसान रूप बसंत का मेरी बहू को याद है। मालिन हाथ उठा करके दरबार में कहने लगी महाराज किसा रूप बसंत का मेरी बहू को याद है। बेशक सुनावे आए के मेरी एक यही फरियाद है। महाराज मेरी बहू जानती है उस किस्सा को तो उसमें क्या दे रही है बुला लाओ अपनी बहू को। बोले महाराज सुनो कहती है वह बैठकर पर्दे में बात सुनाऊंगी पर्दा से ही मैं पर्दे में आए घर से ही पर्दे में आऊंगी मैं पर्दे में बात सुनाऊंगी और पर्दा में ही रहूंगी। तो बंधु राजा को हुक्म बोले इंतजाम कर दिया जाए पूरा आज मेरे प्रिय श्रोता हो। और वह बसंत कुमार वहां से जाता है और कयामत तो कौन थे धोबी धोबिन से। हाय धोबी धोबिन ने देखो कि तू आएगा बेटा तू कांगवरे ये मैया ले अब तो इससे कोई किस्सा बताऊंगू दादा ले चलियो कहा राजा के दरबार में आधी इनाम मिलेगी ताम्र तो चौथाई तो बात ही लेंगे। बेटा कैसी इनाम के रूप बसंत किस्सा में आ दो राजन मिल लो है के चल के चलो तुम पहुंचो हुआ रहो। भैया आज देखी जनान और बन की बसंत कुमार चला है इधर में चाचा धीर सिंह को पता चलता है रूप बसंत का किस्सा जो ढोड़ी पिटी सुनी है। हाय हाय उस किस्से को सुनने के लिए महात्मा की भेष में अधीर सिंह भी आकर के बैठ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है मेरे प्रिय श्रोता सेठ और जनानिया प्रधान सब बैठे और नगर पूरा जुड़ो है और पर्दा में किस्सा है रो कैसे महाराज मेरे किस्सा में किसी भी प्रकार की व्यादा ना होनी चाहिए और जो भी व्यादा वो इंसान करेगा उसे फांसी का हुक्म होना चाहिए। बोले ऐसा ही होगा तो लीजिए किस्सा शुरू होता है कि धारा नगरी अरे गांव हमारो वहां के चंद्रसेन तपुधारी संत दो बेटा उनकी और उनकी थी महतारी रे अरे तो बेटा बाती है रामने अरे आगे भी पता जारी रे अरे मर गई रानी सुनियो ध्यान लगाई रे अरे मौसी ने इंजाम लगा कर फांसी दे चढ़वाई रे अरे फांसी लगी डबर कुमार को चाचा ले गो बचाई रे आंसू भर आते हैं। इधर में सारी प्रजा आंखों में आंसू भर के आज उस किस्से को सुन रही है। चाचा धीर सिंह भी रोने लगे हैं। ये आवाज मेरे बेटा बसंत की सी लग रही है लेकिन आगे क्या होता है अरे धोबी धोबी ने कपड़ा धोवे अरे वहां पर गए जब आई रे
वहां पर गजब के कुछ निधायो री। आज मेरे प्रिय श्रोता देखिए सौदागर के बारे में बात आई तो सौदागर बोलो नाम तो हमा हुआ है। अरे धोबी को बेटा जन भैया, अरे जनानिया प्रधान ने गहाई रे 500 रुपए के लोन में आकर के जनानिया प्रधान ने उस धोबी के लड़का को और सेठ को सौंप दिया। सेठ ने कहा कि बलि चढ़ाएंगे। आज बंधु वह समझदार था तो झाज को जब बिगर बलि के स्टार्ट हो जाता है तो सेठ उसको ले जाता है और सेठ जब धर्म का पुत्र बना के ले जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो सेठ जब लौटता अपने वतन को तो उसकी नीयत खराब होती है और उस लड़के को उस बसंत को नदी में डाल देता है वो और उसकी पत्नी से हाय हाय वो कहने लगा है अब तो तू हमारी है। अरे उसी समय के बाद फेरी बने शादी दई रचवाई रे। अरे लौटी कर पार से भैया अब सेठ की मत जब बोराई रे। अरे बसंत दयो डार समधुर में किस्सा रहे हो सुनाई रे। आज बंधुओं देखिए जनानिया प्रधान का नाम आया। जनानिया प्रधान कहने लगा किस्सा बंद होती था हाय हाय 500 रुपया बोलो बोले कुछ नहीं खामोश हो जाइए तुमको फांसी चढ़ाई जाएगी। उसको भैया नंबर में लगाए सेठ को नाम आया। सेठ बोले किस्सा बंद कर दो जाए। हाय हाय बोले सेठ जी नंबर तुम आओगे लाइन पे लग जाओ। अब देखिए क्या होता है। अरे बहता हुआ बसंत देख के फिर अरे मिश्रा नगर में आई रे। अरे मालिनी की जब नजर पड़ी तो अब लीलो पाने निकारी रे। किस्सा पूरा हो गया और जब क्या होता है लास्ट जवाब में देना है बसंत ने। अरे बसंत कुमार ये किस्सा सुना रे पंचो सुनियो ध्यान लगाई। रूप कुमार जब छाड़ो है गाओ और परदा में पहुंचो जाई। जब भैया की पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे चाचा ये तुम्हें नजर पड़े तब धीर सिंह जी पहुंची आई। अरे सरवना सिंह वो ताज हमारे वो तो नकारो रखे बजाई।